પરિષદ ખાતે તેમણે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી અને અયોધ્યા રામ મંદિરને લઈને પણ ખુશીઓ વર્ણવી હતી. રામ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા વખતે દેશના તમામ તળાવ, નદી કે સમુદ્રમાંથી પાણી લાવી જળાભિષેક થવાની વાત પણ તેમણે જણાવી હતી. राम जन्मभूमि के मंदिर में भगवान के प्रतिष्ठापित होते समय उनके स्नान और अभिषेक के लिए देश के सब पवित्र कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी और जहाँ समुद्र का तट है वहाँ समुद्र, जैसे अहमदाबाद में साबरमती, तो पूरे शहर के लोग जाएंगे, साबरमती की प्रार्थना करेंगे, राम जी की प्रार्थना करेंगे, 200 मिली लीटर पानी तांबे के बर्तन में रख के अयोध्या भेजेंगे, भारत के बाहर के 108 देश उनकी नदियों का जल आया है, तो भगवान विश्व भर की पवित्र नदियों, तालाबों और कुओं के जल से स्नान करके विराजमान होंगे, उनका अभिषेक भी उसी जल से होगा. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત સમક્ષ વકીલોની માંદગી સહાય અને મૃત્યુ સહાય વધારવા માટે ભાજપ લીગલ સેલે લેખિતમાં માંગ ઉઠાવી હતી ત્યારે ભાજપના